शब्द वो होते हैं जो कि हम वर्णों को जोड़कर लिखते हैं और जिसका कोई अर्थ होता है। अब वर्ण वर्ण क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहले हमने स्वर पढ़ाए थे, फिर व्यंजन पढ़ाए थे। स्वर क्या होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन क्या होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं ना। स्वर और व्यंजन मिलके ही वर्ण का निर्माण करते हैं। वर्ण की अपनी एक क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है। वर्ण कैसे होते हैं पता है आपको? जैसे कि क वर्ण, क वर्ण में क ख ग घ ड है ना, ऐसे हम वर्ण होते हैं। अब स्वर जब स्वर और व्यंजन जब लिखते हैं तभी हम वर्ण तभी शब्द को हम लिख पाते हैं। अब देखिए हम वर्णों के मेल से क्या होता है? शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजनों का मेल वर्ण के क्या टुकड़े होते हैं? क्या टुकड़े कर पाते हैं वर्ण के? नहीं कर पाते हैं, है ना। जिसके टुकड़े नहीं किए जाते वही वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण के मेल से मतलब स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तभी वह शब्द कहलाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। शब्द किसे कहते हैं? जिस चीज का कोई अर्थ होता है वही शब्द होता है। बिना अर्थ के तो हम कोई शब्द को यूज करेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। माँ धन का धर क्या हुआ? माँ टर, ये क्या सही लिखा है? मैंने लिखा है ना सही। मटर, मटर मतलब पीस। क्या होता है मटर? इसकी हम सब्जी बनाते हैं ना खेतों में, उसकी मटर सबने आप सबने देखी होगी। ये हमने सही लिखा है। अब इसकी जगह अगर मैं आपको ये लिखू धन ट धन मा, क्या हो जाएगा ये? रटम आपका कोई शब्द है? कहीं आपने सुना है इसका कोई अर्थ निकलता है? मीनिंग निकलता है रटम मतलब क्या होता है? कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये शब्द हमारा गलत है। ये शब्द की कैटेगरी में आपका शब्द की परिभाषा में ये चीज नहीं आएगी। ऐसे हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। अब इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। कॉपी ओपन कीजिए, लिखिए परिभाषा। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं या वर्णों को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। निर्माण मतलब बनते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब कैसे बनेगा? अब मैं आपको दो तीन और चार वर्णों वाले में आपको आज शब्द बता रही हूँ। ये पिक्चर काय का है? ये चीज आपने घर में देखी है? ज, तो हम यहाँ कह लिखेंगे ज धन ग। क्या हुआ ये? ज, ठीक है। ये सही है, सही वर्ण है। इसमें ज भी व्यंजन है आपका और क्या है? ग भी व्यंजन है, ठीक है। जल, ये सही है क्योंकि हमने ये चीज देखी है। सेकंड देखते हैं हम ब धन स, क्या मैंने ये सही लिखा है? आप पिक्चर देखिए और ये देखिए क्या सही है ये? हाँ ये सही है, क्योंकि बस क्या है? एक शब्द है। बस में हम आते हैं जाते हैं, आवागमन का एक साधन है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं फ धन ल। फल भी एक शब्द है। फल फ्रूट से जिसे हम खाते हैं, ठीक
है। अब ऐसे ही हम तीन वर्ण वाले शब्द देखेंगे। ये क्या है? फूल है। फूल का क्या है? कमल का। क धन म धन ल, सही लिखा है नहीं? क्या बनेगा ये? कमल। सेकंड देखते हैं, ये सब ये चीज आपने देखी है, क्या है ये? मटर। तो हम इसे भी लिखेंगे मां धन ट धन र। ये देखिए मां धन ह धन ल महल। ऐसे ही हमें चार वर्ण वाले शब्द देखना है। ये क्या है? ग्लास है। ग्लास में क्या है? शरबत है, है ना? श धन र धन ब धन त शरबत। ये क्या है? थर्मस। थर्मस आपने देखा है, सबके घर में होगा अवेलेबल। चलिए अब इसको हम लिखेंगे थ धन र धन म धन स थर्मस। ये क्या है? पेड़। पेड़ का क्या है? बरगद का, है ना? तो ब धन र धन ग धन द बरगद। अब देखिए दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द। ऐसे ही आप अपने घर पर, आपको होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, इसके आगे आप दो तीन और चार वर्ण वाले पांच पांच शब्द और बनाएंगे और कॉपी में नोट करेंगे। समझ में आ गया आपको शब्द क्या होते हैं? जहां वर्णों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जिनका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है? ये आपको